लुसेंट सामान्य ज्ञान, इसमें आज हम लोग शैव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और कंटेंट जो है ये लुसेंट से लिया गया है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की चार संख्या बताई गई है और ये हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। शैव संप्रदाय का चार संख्या हो गया, चार भाग हो गया, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, सबसे प्राचीन हो गया पाशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक ककुलिश थे जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इसके संस्थापक ककुलिश थे। पाशुपत संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय, सबसे प्राचीन संप्रदाय और इसके संस्थापक ककुलिश जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे, यानी भगवान शिव के कुल अवतार हो गए 18। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी क्या हुए? पंचार्थिक। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। ग्रंथ हो गया पाशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिवपुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगा मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय ही जंगम है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपाद ने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपाद ने इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है लिंगायतों का। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को ही 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। बाबा गोरखनाथ जो है ये भी नाथ संप्रदाय के थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है जिनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। तंजौर में है, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर शैव मंदिर एक ही है और इसका निर्माण कराया चोल शासक राजराज प्रथम ने जो तंजौर में है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो इस तरह से शैव धर्म जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैष्णव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।